तो हे एवरीवन, लास्ट पार्ट हमारा जहाँ पे एंड हुआ था ना, तो ये वाला पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है कि मिली हैप्पी को पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया और तुमने वहाँ पे क्या देखा, हाँ तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि जब से हैप्पी की मेमोरी लॉस हुई है बेचारी की तो बैंड ही बजी पड़ी हुई है। देन हैप्पी उसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया एंड मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। देन वो मिली को कहता है कि तुम ना मुझे होटल ड्रॉप कर दो। तो मिली उसे कहती है कि क्यों, क्योंकि उसे तो लगा था कि हैप्पी वापस घर जा रहा है। तो हैप्पी उसे कहता है कि वो ना आज मेरी डेट है। तो ये सुनकर तो मिली पूरा एकदम शॉक्ड ही हो जाती है कि भाई बंदी यहाँ पर है तो ये किसके साथ डेट पे जा रहा है। देन वो उसे क्वेश्चन करती है कि किसके साथ, तो हैप्पी तो उसे बताने से रहा एंड वो उसे जल्दी से ड्राइव करने का बोलता है। और वही हम इक्वा को देखते हैं जो कि उस थेरेपिस्ट को सी ऑफ करता है। देन उस थेरेपिस्ट के साथ जो बंदी थी ना, एक्चुअली उसका नाम बेची है एंड वो इक्वा की एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि यूके में रहती है एंड ये बहुत ही ज्यादा चिपकू टाइप की है। देन वो इक्वा को कहती है कि चलो हम कॉफी के लिए चलते हैं, पर इक्वा उसे साफ मना कर देता है कि ताकि नहीं, अभी ना मेरे पास वॉलेट नहीं है और मेरा ड्राइवर अभी तक आया नहीं है। देन वो उसे कहती है कि ओके कोई नहीं, बट तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में झूठ क्यों बोला, हाँ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो तो तुम्हारे भाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी तो वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो नहीं सकती, राइट। देन इक्वा उसे कहता है कि नहीं, ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। और तभी वहाँ पे क्वीन क्वीन भी इक्वा का वॉलेट लेके आ जाती है एंड वो दोनों को दूर से ही ऐसे बातें करते हुए देख लेती है एंड उसे देख के लगता है कि उसे ना ये चिपकू बिची बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देन वो बिची इक्वा को जबरदस्ती अपने साथ कॉफी पे ले जाती है और बेचारी क्वीन क्वीन बस उन्हें ऐसे देखती ही रह जाती है। और सीन शिफ्ट होता है हैप्पी पर जो कि कार में ही सो जाता है। तो मिली उसे बस देखे ही जा रही होती है क्योंकि बेचारी जब से हैप्पी की मेमोरी लॉस हुई है ना, उसने तो हैप्पी को ठीक से देखा ही नहीं है क्योंकि वो तो बस उस पे चिल्लाता ही रहता है। बट सडनली हैप्पी जाग जाता है तो मिली उसे कहती है कि वो ना एक्चुअली हम पहुंच गए। तो हैप्पी जल्दी से कैफे के अंदर जाने लगता है। देन मिली उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, पर हैप्पी उसे कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है एंड तुम ना यही कार में मेरा वेट करो। देन वो अंदर जाके नाना को मिलता है एंड दोनों साथ में कॉफी पीते हैं एंड वो नाना कहता है कि आज का दिन ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। तो नाना भी ओके बोल देती है एंड दोनों साथ में कार के पास आते हैं। तो नाना मिली को देखती है, देन वो हैप्पी को पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो कहता है कि हाँ तुम दोनों हॉस्पिटल में मिल चुके हो ना, मुझे याद है, बट अब ये मेरी मेड है एंड यही कार ड्राइव करेगी। बेचारी मिली, पता नहीं इसे गर्लफ्रेंड से मेड और मेड से ड्राइवर एंड पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। देन मिली उन्हें पूछती है कि हमें कहाँ पे जाना है। तो हैप्पी कहता है कि जहाँ भी नाना बोले। देन नाना उसे गार्डन चलने का बोलती है और सीन इक्वा पे शिफ्ट होता है जो कि घर आके कुइन कुइन के बारे में पूछता है। तो वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि वो तो तुम्हारा वॉलेट देने के लिए गई थी ना। तो इक्वा कहता है कि नहीं, वो तो वहाँ पे नहीं पहुंची। देन वो उसे कॉल करता है और जल्दी से घर आने का बोलता है। और वही हैप्पी और नाना एक कपल की तरह पार्क में घूम रहे होते हैं और बेचारी मिली इतनी तेज धूप में उनके पीछे पीछे चल रही होती है। देन उसे लीफे कॉल करके बताती है कि उसके डैड वापस आ गए हैं। एक्चुअली मैं ना उसके डैड भी एक थेरेपिस्ट हैं, मे बी वो हैप्पी को हेल्प कर पाए। तो मिली उसे थैंक्स बोलती है एंड जल्दी ही मिलने का बोलती है। वहीं नाना और हैप्पी पार्क में बैठे होते हैं एंड बातें कर रहे होते हैं कि आज का मौसम कितना अच्छा है, फलाना ढिमकाना ये वो। देन हैप्पी नाना को पूछता है कि आज तुम इतनी ज्यादा थकी थकी सी क्यों लग रही हो, हाँ क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो नाना उसे कहती है कि नहीं, वो ना आज मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर ली है ना इसीलिए। देन हैप्पी मिली को अपने लिए पानी की बॉटल्स बाय करके लाने का बोलता है। हद है यार, बेचारी को तो नौकरानी बना के रखा हुआ है। ऊपर से उसे कहता है कि तुम ना अभी भी यहीं खड़ी हो, गो हरी अप जल्दी करो। और बेचारी मिली क्या ही कर सकती है एंड वो हाँ बोल के चली जाती है। देन हम क्वीन क्वीन को देखते हैं जो कि घर आती है। तो इक्वा उसे कहता है कि तुम मुझे कॉल कर देती ना तो मैं वहाँ पे तुम्हारा वेट करता कि तुम वॉलेट लेके आ रही हो। देन क्वीन क्वीन उसे कहती है कि नहीं कोई बात नहीं एंड वो उसका वॉलेट वहीं टेबल पे रख के चली जाती है। और सीन मिली पे शिफ्ट होता है जो कि पानी के बॉटल्स कैरी करके ला रही होती है, बट बेचारी की सडनली हील मुड़ जाती है एंड उसे पैर में चोट आ जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि हैप्पी ना खुद से ही बोल रहा होता है कि ये अभी तक आई क्यों नहीं, हाँ इतना ज्यादा टाइम हो गया, ही सो केयरलेस। बट तभी नाना की तबीयत खराब होने लगती है और वो हैप्पी को कहती है कि अब मुझे ना जाना होगा। तो हैप्पी उसे कहता है कि क्यों, अच्छा चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो नाना उसे मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं ना टैक्सी से चली जाऊंगी। देन हैप्पी उसे टैक्सी तक सी ऑफ करने जाता है और तभी बेचारी मिली लंगड़ाती लंगड़ाती उनके लिए पानी लेके आती है, पर वो तो वहाँ पे होते ही नहीं है। और वहीं हैप्पी नाना को टैक्सी तक सी ऑफ करता है एंड वो दोनों कल 10 बजे मिलने का डिसाइड करते हैं। और बाय बाय टाटा बोल के वहाँ से नाना निकल लेती है इससे पहले कि उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो एंड हैप्पी उसे ऐसे देखे। देन हैप्पी मिली के बारे में सडनली रियलाइज करता है और वो उसे कॉल करता है, पर उसके पास तो मिली का नंबर ही नहीं होता। तो उसे वापस पार्क में आना पड़ता है जहाँ बेचारी मिली बैठी बैठी रोए जा रही होती है
सीरियसली जब ना कोई हमें ऐसे छोड़ के जाता है ना, तो हमें उस बंदे पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, और रोना अलग से। देन हैप्पी वापस आता है एंड वो मिली को टॉन्ट करती हुई कहता है कि तुम तो यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल होके बैठी हो, और एक मैं हूँ जो इतनी तेज गर्मी और धूप में यहाँ तुम्हारी वजह से वापस आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इसकी वजह से फायर करना चाहिए? हाँ, तो इतना कुछ सुनने के बाद मिली भी उसे कहती है कि एक तो तुम यहाँ किसी और के साथ डेट पे आए और मुझे पानी लेने के लिए भेजा, और जब मैं वापस आई तो तुम तो यहाँ थे ही नहीं, सडनली गायब हो गए, और अब तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। हाँ, तो हैप्पी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस भी तो आया हूँ ना, अच्छा चलो लेट्स गो। तो मिली को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसके हाथ में जो पानी की बॉटल्स होती है ना, वो हैप्पी पर फेंक फेंक के मारने लगती है, और उसका बस चले तो वो हैप्पी के सर पे ही मार दे। तो हैप्पी उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, एंड वो बॉटल्स उठाने के बाद कहता है कि चलो अब चलते हैं। तो मिली बेचारी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही होती है। देन हैप्पी उसे पूछता है कि क्या हुआ हाँ तुम्हारे पैर में? तो मिली उसे कहती है कि नन ऑफ योर बिजनेस, एंड वहाँ से चली जाती है। और उसके ऐसे बिहेवियर से ना हैप्पी भी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देन नाना टैक्सी में होती है, तो उसकी मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कितनी देर में आ रही हो? हाँ, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। तो नाना उन्हें कहती है कि नहीं मैं ना मॉम अभी नहीं आ पाऊंगी, बिजी हूँ, बाद में आऊंगी, और कॉल को कट कर देती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम कुनकुन को देखते हैं जो कि सैड से फेस के साथ डिनर तैयार कर रही होती है। एंड इकुआ उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, हाँ इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो? तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। देन इको उसे कहता है कि नहीं कुछ तो ज़रूर है, टेल मी। देन कुनकुन उसे कहती है कि नथिंग, बट मुझे ना तुमसे जॉब की परमिशन चाहिए थी। तो इको उसे सीधे ही मना कर देता है एंड उसे कहता है कि मैं इतना ज़्यादा एलिजिबल तो हूँ कि मैं तुम्हें हैप्पी रख सकता हूँ, तो तुम्हें ना खुद को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब ना हम इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। एंड वही मिली भी हैप्पी को उसके पेरेंट्स के घर डिनर के लिए ले जा रही होती है। तो हैप्पी उसे क्वेश्चन करता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं? और जहाँ तक मुझे याद है ना कि मैंने तो तुम्हें नहीं बताया है, तो तुम्हें कैसे पता? हाँ, देन मिली थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि वो ना एक्चुअली मैंने इक्वा को कॉल करके एड्रेस का पूछा था, तो उसी ने मुझे बताया है। देन हैप्पी उसे कहता है कि कब? हाँ, मैं तो पूरा टाइम ही तुम्हारे साथ था, तो मुझे कैसे पता नहीं चला? हाँ, तो मिली उसे कहती है कि मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता रखना पड़ता है कि तुम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई को कॉल करके ना उनसे एड्रेस पूछ लिया था। देन वो कहती है कि बस हम पहुँचने ही वाले हैं, ताकि हैप्पी उसे और ज़्यादा क्वेश्चन ना करे। और वहीं हैप्पी की मॉम भी घर पे आ जाती है, क्योंकि हैप्पी डिनर पे जो आने वाला है, तो सब एक साथ होने चाहिए ना, और वो उसका फेवरेट खाना बनाने लगती है। देन हैप्पी और मिली जैसे ही घर आते हैं, तो हैप्पी अपने डैड के रूम में चला जाता है एंड उनके साथ चेस खेलने लगता है। तो हैप्पी कहता है कि डैड आज तो आपका मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम मेरे साथ चेस खेल रहे हो ना, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मिस्टर ई ने कभी भी हैप्पी के साथ कोई गेम्स वगैरह नहीं खेले हैं, तो अब वो अपनी उस गलती को सुधार रहे हैं। देन हैप्पी उन्हें कहता है कि सडनली आप ना मुझे डिफरेंट पर्सन लग रहे हो डैड, और मैं ना बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ कि आपसे अब बात कैसे करूँ। तो मिस्टर ई कहते हैं कि मैं ना ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, और जो भी मैंने पास्ट में किया है ना, हमेशा तुम्हारे साथ हार्श रहा, एंड तुम्हें तो लगता होगा कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। तो हैप्पी कहता है कि नहीं, आई नो कि आप हम सबकी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो, बट आपको इतनी ज़्यादा केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो गेम को बिगाड़ देता है, क्योंकि वो हार जो रहा था। और सीन शिफ्ट होता है यान पर, जो कि फंगा के साथ ब्रेकअप होने के बाद से बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किए जा रही होती है। देन वो ऐसी नशे की हालत में ही फंगा को कॉल करके आने का बोलती है, तो वो कहता है कि नहीं अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे ना डेट पे जाना है, मैंने ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट की है। तो ये सुनकर यान तो पूरा गुस्सा ही जाती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की, हम 10 सालों से एक साथ में हैं और तुम किसी और के साथ डेट पे जा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे ये सारी लाइंस ना फंगा ही हमेशा बोलता है, बट इस बार उल्टा हो गया। तो ये सब सुनने के बाद फंगा उसे कहता है कि अब ना तुम्हें ये बोलने का कोई राइट नहीं है। तो यान भी उसे गुस्से में गुड लक बोल दे दिया एंड कॉल को कट कर देती है एंड फिर से अपना ड्रिंक करने लगती है। और अगले सीन में हम मिस्टर ही को देखते हैं, जो कि मिली को देख के कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा डल लग रही हो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हो। तो मिली उन्हें कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, आपके प्रिंस बेटे की टेक केयर करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। तो हैप्पी जल्दी से कहता है कि क्या डैड ये ना पूरा दिन कुछ भी नहीं करती। देन तभी कुनकुन सभी को डिनर के लिए चलने का बोलती है, तो हैप्पी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर ही मिली को भी अपने साथ डिनर करने का इंसिस्ट करते हैं, पर वो मना कर देती है एंड उन्हें कहती है कि मैं ना अभी एक मेड हूँ और आपका बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसे मेड के साथ खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन तभी इको कहता है कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। तो मिली कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एंड काफी टाइम बाद इस घर में ना माहौल अच्छा हुआ है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए, प्लीज एंजॉय योर डिनर। एंड वो दोनों को अंदर भेज देती है। देन डिनर टेबल पे कुनकुन जल्दी जल्दी से अपना डिनर खत्म कर लेती है एंड वहां से चली जाती है।
तो यहाँ पे इक्वा को कहता है कि क्या ये प्रेग्नेंट है, तो बेचारा उसका खाना तो गले में ही अटक जाता है एंड वो खांसने लगता है। देन वो हैप्पी को कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता? हाँ, तो वो कहता है कि आई नो, मैं तुम्हारा फेस पढ़ सकता हूँ, राइट, सी इज प्रेग्नेंट, हमारे घर बेबीज आने वाले हैं, राइट, यू आर वेल डन ब्रदर। एंड बिना बात के ढोल बजाया जा रहा होता है। तो इको उसे कहता है कि यू इडियट बॉय, हम यहाँ पे डिसेंट डिनर कर रहे हैं, पहले हम इसे फिनिश कर लें, ओके, एंड डोंट टॉक नॉनसेंस। और वहीं मिली भी बहुत ही ज्यादा सैड बैठी होती है, तो क्विंग उसके पास जाती है एंड दोनों ऐसे ही बातें करने लगती हैं। देन हैप्पी भी जल्दी से अपना डिनर करता है एंड इक्वा से अपनी कार की मांगता है जो कि फिक्स होके आ चुकी है। तो हैप्पी इक्वा के हाथ से वो कार की लेके वहां से भागने लगता है क्योंकि वही कार ड्राइव करना चाहता है, बट इक्वा उसे पकड़ लेता है एंड उससे वो कार की वापस ले लेता है एंड उसे कहता है कि तुम अभी ड्राइव नहीं कर सकते, मिली ही करेगी। देन हैप्पी उसे कहता है कि क्या नहीं, मैं ही ड्राइव करूंगा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। बट तब तक इक्वा से वो कार की मिली वापस ले लेती है एंड उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं ही ड्राइव करूंगी। और जैसे ही क्विंकुंग और इक्वा वहां से जाते हैं तो हैप्पी मिली से वो कार की लेने लगता है, पर वो तो दे ही नहीं रही होती और वो हैप्पी को धक्का देते हुए बोले जा रही होती कि तुम बैठती हो या फिर नहीं, मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें सेफली घर तक पहुंचाने की। एंड उसे अच्छा खासा सुना देती है और बेचारे हैप्पी को तो फिर बैठना ही पड़ता है। देन नेक्स्ट हम मिस्टर री को देखते हैं जो कि हैप्पी की मॉम को पास्ट में जो भी कुछ हुआ ना उसे भूलने का कहते हैं एंड उन्हें कहते हैं कि मैं तब बहुत ही ज्यादा नाराज था, तो तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। पर वो कहती है कि नहीं, अब मैं भी डिवोर्स के लिए रेडी हूँ एंड मैं अपनी लॉयर से बात करके ना आपको न्यू डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। देन वो वहां से चली जाती हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम हैप्पी और नाना को देखते हैं जो कि मस्त बीच साइड पे वॉक किए जा रहे होते हैं और बेचारी मिली हमेशा की तरह बस उन्हें दूर से ही खड़े खड़े देख रही होती है। और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।